तो हम बात करें तो अगर अगला ऑडिटर नेक्स्ट ऑडिटर तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आ सकता है या स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, 50% ज़्यादा लोग एग्री होने चाहिए, स्पेशल 75%। अगर हम इसके रिमूवल की बात करें, हटाने की, अगर बिफोर एक्सपायरी टर्म यानी अभी मान लो कि 6 महीने के लिए हमने उसको रखा था, 6 महीने से पहले उसको हटा रहे हैं, तो किस केस में, अगर पहला ऑडिटर है तो कंपनी जनरल मीटिंग के थ्रू हटा सकती है, पहले ऑडिटर को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और रिमूवल ऑफ द सबसिक्वेंट ऑडिटर, अगर मान लो नेक्स्ट ऑडिटर है तो शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तब परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हम आफ्टर एक्सपायरी यानी 6 महीने का टाइम था और 6 महीने बाद ही रिटायर कर रहे हैं तो स्पेशल नोटिस देते हैं, नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर को सेंड करते हैं और उसके पास राइट होता है कि वो मीटिंग को अटेंड कर सके पासिंग रेजोल्यूशन करके। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं राइट एंड पावर, यानी क्या क्या राइट होता है, पावर होता है किसका, ऑडिटर का।